नमस्कार, मेरा नाम रियाना जैन है। मैं एक छोटी मुर्गी हूँ। मैं पहली कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है एक छोटी मुर्गी। कृपया ध्यान से सुनिए। एक छोटी मुर्गी को जंगल में टहलना बहुत पसंद था। उसे बड़े बड़े पेड़ देखना, फूलों को सुनना और पक्षियों की आवाज़ सुनना बहुत पसंद था। एक दिन टहलते टहलते उसके सिर पर एक आम गिरा। बहुत डर गई। वो बोली, हे भगवान, आकाश गिर रहा है, मुझे ये बात शेर को बतानी होगी। वो जोर से दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते रास्ते में उसे एक बड़ी मुर्गी मिली। बड़ी मुर्गी ने पूछा, कहाँ जा रही हो? तब छोटी मुर्गी बोली, हनी पानी, आकाश गिर रहा है और मैं ये बात शेर को बताने जा रही हूँ। हनी पानी बोली, तुम्हें कैसे पता कि आकाश गिर रहा है? तब छोटी मुर्गी बोली, वो मेरे सिर में गिरा। हनी पानी भी छोटी मुर्गी के साथ जुड़ गई। वो दोनों शेर के पास दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते रास्ते में उन्हें बतख मिली। बतख ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तब छोटी मुर्गी बोली, हनी पानी, आकाश गिर रहा है, मैं ये बात शेर को बताने जा रहे हो। डकी लक्की बोली, तुम्हें कैसे पता कि आकाश गिर रहा है? तब छोटी मुर्गी बोली, मेरे सिर में गिरा। डकी लकी भी उन दोनों के साथ जुड़ गए। वो तीनों शेर के पास दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते रास्ते में उन्हें एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तब हनी पानी बोली, आकाश गिर रहा है, मैं ये बात शेर को बताने जा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, क्या तुम जानते हो शेर कहाँ रहता है? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें शेर के पास ले चलती हूँ। तीनों लोमड़ी के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी देर बाद वो एक गुफा के पास पहुँचे। लोमड़ी ने कहा, अंदर आ। तीनों गुफा के अंदर गए, पर कभी बाहर नहीं आए। लोमड़ी ने मार कर खा लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।